SN Live सच सबसे आगे। सिवान की कई घटना में शामिल कुख्यात मुराद अली उर्फ कारतूस समेत दो बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। कई घटना में शामिल दो पेशेवर बदमाशों को पुलिस ने हथियार के साथ आंदर थाना क्षेत्र के भवराजपुर बेलाही मोड़ के समीप छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश आंदर थाना क्षेत्र के मदशिलापुर निवासी शिवम सिंह एवं जमालपुर निवासी मुराद अली उर्फ कारतूस हैं। दोनों के पास से दो कट्टा, चार गोली, एक चोरी का बाइक, 2 किलो 300 ग्राम गांजा, 300 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी से 12 लूट एवं रंगदारी की घटना का उद्भेदन हुआ है। मामले में एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक टीम का गठन किया गया। टीम में आंदर थाना अध्यक्ष कुमार वैभव, हुसैनगंज थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव, असाव थाना अध्यक्ष विपिन कुमार एवं जीबी नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार शामिल थे। टीम ने आंदर थाना क्षेत्र के भवराजपुर बेलाही मोड़ से दो बदमाश शिवम सिंह एवं मुराद अली उर्फ कारतूस को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से आसाव के एक चिकित्सक से रंगदारी की मांग किए जाने की घटना में प्रयुक्त मोबाइल को सिम सहित बरामद किया गया है। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।